और इस आज हम क्या बना रहे हैं आप अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? सब्जियां। कौन कौन सी सब्जियां हारिस? प्याज और बाकी अन्य फ्लेवर ही नहीं, असल चीज प्याज है। नाजरीन, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये प्याज हैं और फ्लेवरिंग के लिए इन्होंने यूज किया है ये मटर, ये आलू, आलू और ये गाजर, और उसके साथ फ्लेवरिंग के लिए ये भी है नाजरीन अंडे, जिनको अभी छीलना है मैंने। नेक्स्ट हारिस, कौन से स्टेप पे पहुंचे हैं हम बनाने? ये प्याज ही हो रहे हैं ब्राउन। अच्छा, प्याज को ब्राउन करके हम उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, मिर्चें, कितनी क्वांटिटी हारिस, आलू और सारा कुछ मिक्स कर देंगे बेसिकली। हस्बे जायका बेसिकली, ये जो मसाले आप डालना चाह रहे हैं। हाँ जी, ये मैं अपने उनसे पूछूंगा, ग्राहकों से, बिकॉज़ के कस्टमर इज द किंग वाली पॉलिसी से। आई सी, सही हारिस। ये आप पहली दफा डिश बना रहे हैं कि पहले भी आपने ये बनाई हुई? ये डिश पहली दफा ही बन रही है, अब खुदा का रहम के ये अच्छी बन जाए। ये तो आपने गाजर तो दिखाई नहीं, गाजर दिखाए थे हारिस मैंने, दोबारा दिखाता हूँ क्लोजअप के साथ जरा, अगर आप कहें तो। आप भी वैसे गाजर ही लग रहे ऑरेंज बैंक के नाजी नहीं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कितनी सिमिलैरिटी है ये गाजर में और हारिस में। अभी देखिए, गाजर हमने ये भी किए हुए हैं, कुछ गाजर क्रश्ड किए हुए हैं। हाँ जी, ये ताकि बेस देंगे हमारे सालन को। आई सी, हारिस हमने गार्लिक पेस्ट लिया, सॉरी वी कैन नॉट शो यू द ब्रांड, ये हमारे चैनल के राइट्स हैं, वो उनके साथ अफिलिएटेड नहीं है। तो ये जो आज आपको आवाज आ रही है वो गार्लिक पेस्ट डाल रहा है बेसिकली। तीन टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डाल दिया मैंने अभी। अब ये रियली डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, उसके लिहाज से ही आप गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं इसके अंदर। ज्यादा डालनी चाहिए, हमारे पास खत्म हो गई है असल में। अच्छा, ये भी एक फैक्ट है नाजरीन कि हमारे पास खत्म हो गई, अब जाके लिए बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गई है हमारी मेन जो सब्जी की आइटम है प्याज उसके साथ। नाजरी टेंशन ना ले, गंदे हाथ नहीं है ये जो खारिज कर रहे हैं, इसी हाथों से खाना बना रहे हैं, इन्होंने धो लिए टू मेक श्योर के हाइजीनिक कुक है हमारे, जस्ट वांटेड टू शो कि हाथ धोते रहते हैं जब भी खारिज करते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक, जो कि नमक हमारा स्पेशली स्पॉन्सर किया गया है स्कॉटिश टेबल से डाल लिया है हस्बे जायका रियली हारिस, जो हमारे नमक डालते हैं। हाँ, कुक है वो, कम ही नमक डालते हैं, अपने लिहाज से बनाते हैं क्योंकि नमक ऐड आप किसी भी वक्त कर सकते हो। हाँ, एग्जैक्टली ये मैंने नाजरीन पॉइंट इसीलिए रेज किया कि हमारे कुक की बड़ी अच्छी फिलॉसफी है कि आप हमेशा चीज़ें तो ऐड कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते, तो इसलिए इट इज़ एडवाइज्ड कि आप हमेशा कम ही चीज़ें यूज़ करें ताकि आप एडिशन की हमेशा से गुंजाइश होती है। अब इसमें हारिस ने डाल दिया है ये राई, और हारिस हमेशा अच्छी फेमस मसाल देते हैं, क्या हारिस? किस चीज़ का? राई का पहाड़। राई का पहाड़ बनाना, ये इनका मुहावरा होता है। और उसके साथ हमने डाल दिया है जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, और अभी हम इसमें साबित भी डालेंगे लेकिन वो एंड में डालेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा, हर इसको इस रेसिपी में आपका स्पेशल इंग्रेडिएंट जो आप यूज करना चाहें? मैं आज सोच रहा हूँ इसमें मटन मसाला भी डाल दिया जाए। मटन मसाला, ओके, जो कि हमारे पास पड़ा है, कौन सी कंपनी है? कोई हिंदू कंपनी है, इंडियन कंपनी है। हिंदू यानी कि रेसिस्ट नहीं है ये, बिल्कुल हिंदुस्तान से आई है। हाँ, हिंदू कंपनी है ये बिल्कुल। इन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दिया, अब खाना तो हमने देखते हैं अब क्या बनता है, कंप्लेन तो हम कर नहीं सकते इस बारे में। डोंट वरी नाजीन, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। आज तक आपको कोई गंदा खिलाया? हाँ, ये आई विल गिव यू ऑल्सो दिस फैक्ट बिफोर गिविंग द फैक्ट, अब हमने आलू डाल दिए इसके अंदर जो कि फाइनली चॉप्ड है नाजरीन, आपको देख रहे हैं बिल्कुल फाइनली चॉप किए हमारे। ओ भाई, ये आपको लग रहे हैं सही कटे हुए। और गाजरें भी फाइनली चॉप्ड है नाजरीन, ये आपको स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा कि फाइनली चॉप्ड करने से बहुत जरूरी है, ये देख रहे हैं आप बिल्कुल वैसे पता नहीं लग रहा कि गाजर है कि क्या है। और अब सब्जी हमारी, सब्जी बिल्कुल डिश का नाम है एग्जैक्टली सब्जी, तो वो शेप देती हुई नजर आ रही है ना। वेलकम बैक ऑडियंस, नाउ आई लाइक टू टेल यू कि हम इसमें अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट डालना चाहेंगे।
इसलिए ये एग्जैक्टली सेंसर्ड है नाज़रीन, सॉरी टू से कि वी कैन नॉट टेल यू, बिकॉज हमारे कुक की ये स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि वी कैन नॉट टेल द स्पेशल इंग्रेडिएंट। लेकिन बाय द कलर यू माइट फिगर आउट कि क्या चीज़ डाल रही है, लेकिन बाय द टेस्ट इट माइट बी क्वाइट डिफरेंट। तो ये स्पेशल इंग्रेडिएंट अब डाल गया, और वाइल यू वर अवे अब इसमें पानी भी डाल दिया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये बिल्कुल ड्राई ना बने, क्योंकि कस्टमर्स डिमांड थी ना। हाँ, स्पेशल डिमांड थी कि ये सॉसी बने, हाँ सॉसी बने सब्जी और ड्राई ना बने। तो अब स्पेशल इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेफ अपनी जगह पे पहुंच गया, थोड़ा सा गिर गया था लेकिन अब ठीक है। नाज़रीन नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि बिफोर आई गिव यू द नेक्स्ट स्टेप आई विल लाइक टेल यू ब्रीफ हिस्ट्री के जब से हम ग्लासगो आए थे हम ब्रेड खाने में बहुत इंकसार करते थे, और ब्रेड ही हमारा चपाती की बेसिकली रोल प्ले करता था। लेकिन हमारे स्पेशल कुक ने, इनकी शक्ल में दिखाना चाहूँगा स्पेशली, इन्होंने सोचा कि वाई नॉट हम पाकिस्तान की याद ताज़ा करें और चपातियाँ बनाना शुरू कर दें। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आटा गूंदने का, वो ये अंजाम दे रहे हैं। और आटा गूंदना बहुत किसी लोगों को स्पेशली हाउस वाइफ को डर्टी काम लगता है बिकॉज इट्स क्वाइट मेसी एंड ऑल, लेकिन आर स्पेशल कुक टेक्स प्राइड इन डूइंग दिस बिकॉज अभी तक जब से हम आए हैं आटा गूंदने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे स्पेशल कुक ने ही ली हुई है। तो हैट्स ऑफ टू आर कुक हारिस फॉर दैट। तो हारिस, कोई स्पेशल टेक्निक आटा गूंदने की आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? नहीं जी, कोई टेक्निक नहीं है, बस आटे के अंदर बस नमक डालना है। और मिसाल तो आपने सुनी होगी आटे में नमक के बराबर। और हियर आई लाइक यू टू मेंशन आवर स्पेशल स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रोग्राम नवाब फ्लोर मिल्स, जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है इस कुकिंग शो के लिए नाज़रीन, और उन्होंने हमें ग्लासगो भेजा है इस कुकिंग शो को करने के लिए। हारिस, आप अपने कोई स्पॉन्सर जो है आपका, जिनको आप एक्नॉलेज करना चाहेंगे इस मोमेंट पे? नहीं जी, स्पॉन्सर क्या, मैं खुद ही गंदम देता हूँ नवाब फ्लोर वालों को। हाँ, तो हारिस की ज़मीनें हैं जो बेसिकली वो भी स्पॉन्सर है। वेलकम बैक ऑडियंस। एज यू कैन सी के हमारा जो सब्जी है, एज द नेम गोज सब्जी, वो बिल्कुल अपने फिनिशिंग मरहलात की तरफ जा जाती हुई है। एज यू कैन सी के बस अब हमने इसको हाई हीट पे रखा हुआ है और ये बनने के करीब है, उतनी देर जितनी देर ये सालन कंप्लीट हो रहा है हमारे शेफ रोटियां बना रहे हैं। नाज़रीन, एक तवे पे दाल दी गई है और दूसरी और तीसरे का पेड़ा बांध रहा है। बड़े एफिशिएंट हमारे कुक हैं नाज़रीन, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल, सारी सारी रात बैठ के बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और बिल्कुल प्रोडक्टिव वर्कर है एज यू कैन सी के। प्रोटीन कितनी में खानी है, ये अच्छा क्वेश्चन आरिस ने पूछा नाज़रीन। ऑफन आप खाने के टेबल पे बैठे होते हैं और आप सोचते हैं कि रोटियां कम है और रोटियां ज्यादा है, तो इससे बेहतर ये है कि आप खाने से पहले ही पूछ लें लोगों से कि आपने वजन कितनी रोटियां खाई। फिंगर लिखिंग गुड होगा तो आपको ज्यादा खाना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ, देख के ये सोच के आप बताएं। बिल्कुल हारिस हैज नेल्ड इट नाज़रीन, फिंगर लिखिंग गुड, दैट इज व्हाट आवर शो इज अबाउट। एंड ये जो स्पेशली ग्लासगो मास्टर शेफ जो आपका हमारा प्रोग्राम है, उसका मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स स्पेशली लिव करते हैं हॉस्टल्स में, उनके लिए एक ऐसा प्रोग्राम रहे इजी कुकिंग बिल्कुल हमारे मास्टर शेफ आरिस के साथ हो जाए कंप्लीट। रोटी की दिखा दे। अच्छा, ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ आर मास्टर शेफ आरिस, आपको रोटी की मैं क्लोजअप दिखाना चाहूँगा। तो ये रोटी बनती है, अब हम अंडे ऐड करने लगे हैं। नॉर्मली जो शोज होते हैं आप देखें तो वो एड्स के बगैर चल नहीं सकते, लेकिन हमारा शो इतना हिट है कि उसमें कोई ऐड ही नहीं नाज़रीन, ऐड ना भी दे तो शो बंद नहीं कर सकता कोई। एग्जैक्टली, यानी कि इट्स नॉट ऑल टुगेदर कस्टमर्स के लिए, ऑल टुगेदर अ कमर्शियल शो। तो जितनी आपकी ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगी नेक्स्ट शो के लिए, आर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर विल मेक श्योर के हमारा नेक्स्ट शो बिल्कुल ऑन एयर हो एज सून एज पॉसिबल। तो डू गिव अस अ फीडबैक, हमारा ईमेल एड्रेस है haris.mazari@gmail.com। अभी आपको लग रहा होगा कि अंडे थोड़े कम हैं क्योंकि ये सालन ज्यादा अरसा यूज होगा, अंडे हम बार बार बॉईल करके डाल दिया करेंगे इसमें। हाँ, तो स्टोर करना भी बहुत जरूरी है नाज़रीन, जरूरी नहीं है कि आप
जो बच गया वो फेंक दें, मोस्ट ऑफन जो लोग होते हैं जो बच जाता है वो फेंक देते हैं, लेकिन हम ये नहीं करेंगे और हम अपने ऑडियंस को भी ये एडवाइस करेंगे वो ना करेंगे। जो ये देखें आप, रोटी बिल्कुल सड़ी नहीं है नाजरी, परफेक्ट परफेक्ट शेप में आ गई है, यानी कि इट कुडंट बी बेटर देन दिस, और दिस शोज के हमारे कुक कितने एफिशिएंट है, बिल्कुल बातों में नहीं ये डिस्ट्रैक्ट होते और काम सही काम टाइम पे सही काम करते। मोनी खाना तैयार हो गया, उधर किधर देखे सामने खड़ा थे। चलो कोई नहीं, सो ऑडियंस सॉरी फॉर दैट, लेकिन हमारा खाना फाइनली तैयार हो गया नाजरीन। स्मेल्स यमी, आई होप यू कैन स्मेल दैट, या राइट। लेकिन लेकिन मुझे यकीन है कि टेस्टी होगा। क्लोज अप दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल परफेक्ट सब्जी बन गई है, एज हारिस हैज आर मास्टर शेफ हैज टर्म्ड इट एज सब्जी। तो हमारी रोटियां भी बन गई है नाजी, एंड लेट्स 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 गिव यू अ टेस्ट इन टू के हमारी सब्जी कैसी बनी है। हम खाना खाएंगे और हम इसके साथ अचार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भी, जो चीज़ आपका दिल करेगा आप खा सकते हैं इसके साथ। तो आप सप्लीमेंट नाजरी इसको किसी चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, और इसके बगैर भी खाया जा सकता है, वट एवर यू। इंतहाई लजीज खाना, एज ये तुम्हें खाएंगे और पता लगेगा कि इंतहाई लजीज खाना है। एंड नाजिन आई विल गिव यू अ टेस्ट कि कैसा है। यू हैव टू बी केयरफुल कि इट माइट बी हॉट, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बाइट जब लें इट्स नॉट दैट हॉट, क्योंकि ऑफन एंड नॉट आपका मुंह सड़ जाता है जब आप खाते हैं गर्म गर्म खाना। इसपे शायर ने कहा भी है, हसत ना कर मेहनत कर। तो कैसा लगा आपको? अरे साहब खाना बनाया मुझे अच्छा ना लगे कैसा हो सकता। तो नाजरीन आई आई मस्ट एडमिट के माशाल्लाह हारिस के हाथों में बहुत जादू है और टेस्ट एक स्पेशल है, तो इसलिए एम ए नहीं हम इसको कहते कि मास्टर शेफ ग्लासगो है, तो कोई तो बात होगी इसके पीछे कि मास्टर शेफ ग्लासगो है। एंड फ्रॉम माई साइड एंड आर स्पेशल कुक हारिस अजीज, नाउ टेक केयर एंड इंशाल्लाह आपकी जो कॉल्स होंगी और आपके कमेंट्स होंगे और आपके लाइक्स होंगे उसी से हमारा नेक्स्ट शो नाज़रीन कामयाब होगा। मैक्सिमम हमें 50 लाइक्स चाहिए टू मेक श्योर कि हम अपने प्रोड्यूसर को इंडल्ज करेंगे वो नेक्स्ट शो हमें बनाने की इजाज़त दे। सो अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।